अस्सलाम वालेकुम जनाब। जहाँ इतनी अच्छी खुशखबरियाँ आपको वीडियो से मिल रही हैं, एक और अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब की जो जनरल अथॉरिटी है सिविल एविएशन गाका की जानिब से मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ ऑपरेशन के लिए ओपन कर दिया गया, चलाना शुरू हो गए हैं। गाका वेबसाइट पर जारी लामिए में अथॉरिटी ने मुमलकत के तमाम एयरपोर्ट्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ, यानी जितनी वहाँ गुंजाइश है तमाम लोगों के साथ उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। तमाम एयरलाइंस को नोटिस जारी हो चुके हैं, इतवार से मुकम्मल तमाम एयरपोर्ट्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ, यानी आज के दिन से जो है वो चलाना शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में इतवार से SOPs में नरमी का फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मुतालिक फैसलों पर शाही मंजूरी का ऐलान भी किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि आज से खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी नहीं होगी, ताहम मकामात पर मास्क लगाने रखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा वैक्सीन की दोनों खुराकें ले रखी हैं, मुतालिक रियायतों देने का उनको फैसला किया गया है। मस्जिद हराम में पूरी गुंजाइश या दो खुराकें लेने वालों को ज़ायरीन को आने की इजाज़त होगी, ताहम तवक्कलना और अतमन्ना की पेशगी वक्त पर अतमन्ना से जो है वो परमिशन लेनी होगी। यानी अब सऊदी अरब में शादी हॉल खुल चुके हैं, कारोबार बहाल हो रहा है, अवामी मकामात पर मुकम्मल गुंजाइश या तकरीबात करने की इजाज़त है। सिर्फ एक शर्त वही है कि वैक्सीन और तमाम लोग वैक्सीनेटेड हैं, अपना तवक्कलना पर जो भी लोग स्टेटस शो करेंगे वही अपनी ज़िंदगी के इन मामूलात को इन्जॉय कर सकते हैं। अब भी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन लगाएं ताकि आप भी ये बहाल होते हुए ज़िंदगी के जो मज़े हैं उनको ले सकें।